आज हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, आखिर क्यों लगता है सूर्य ग्रहण, वह किस परिस्थिति में जो है सूर्य ग्रहण लगता है, हम यही सब बताएंगे। क्योंकि सूर्य ग्रहण तो जो है ना हर लोग देखा है कि ग्रहण आज लगने वाला है, कहता है अरे आज ग्रहण लगने वाला है, और ग्रहण लगा है तो पहले खाना कोई नहीं खाएगा, बिना नहाए धोए जो है खाना कोई नहीं खाएगा क्योंकि वो अशुद्ध हो गया, वो ऐसा कहता है। और परंतु ये ग्रहण है क्या, कैसे लगता है? देखो सबसे पहले ये है कि धर्म कांड में लिखा है कि एक राहु जो है जो राक्षस था कि अमृत वितरण के समय जो है ना वो छल से जो है ना भगवान वाला पंक्ति में आकर के बैठ गया था, छल करके जब जो है विष्णु जी जो है ना एक स्त्री का रूप करके नहीं अमृत मांग रहा था, यानी सभी जो है देवता को अमृत पिला रहे थे और सभी राक्षस को जो है पानी पिला रहे थे वो चेंज करके, तो उस समय जो है एक असुर देख लिया और वो जो है ना भगवान का रूप धारण करके चला गया देवता वाला लाइन में, और उसका जो है ना उसको जब पता चला भगवान को तो उसको क्या करता है अपने चक्र से उसको काट देता है। बहुत आदमी कहता है कि यही जो है असुर, धर्म में लिखा है कि इस समय जो है ना सूर्य पर जो है ना हमला करते हैं और उसको जो है ना सूर्य को निगल लेते हैं, जिसके कारण होता क्या है तो सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, अंधेरा हो जाता है। परंतु वैज्ञानिक की मान्यता के अनुसार हम बताते हैं कि यानी वैज्ञानिक तरीका है क्या, यानी जब वैज्ञानिक कहता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाती है, सरल रेखा में आ जाती है, तो उस समय होता यह है कि सूर्य का जो रोशनी है ना वो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है ना बीच में पड़ जाता है उस समय चंद्रमा, और चंद्रमा जो है ना रोशनी को जो है ना सूर्य की रोशनी को बहुत ही कम भाग को पृथ्वी पर आने देता है, चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी को बहुत ही कम भाग को पृथ्वी पर आने देता है, पूर्ण रूप से यही रोक लेता है चंद्रमा, तो उस समय जो है ना दिन के समय अंधेरा हो जाता है, उसी समय को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अब इस सूर्य ग्रहण में भी दो प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है, आप लोग कभी सोचा है? चलो देख लीजिए, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अब देखना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है क्या। तो इसमें यह होता है कि जब तीनों जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहती है, तो जो है ना जब चंद्रमा जो पूर्ण रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब क्या होती है, तो सूर्य का जो प्रकाश है ना वो जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। अब क्यों नहीं आती है, तो ये रोक लेता है कौन, पृथ्वी नहीं चंद्रमा, सॉरी ये चंद्रमा बीच में उसको रोक लेता है, जिसके कारण होता यह है कि पूरे पृथ्वी पर जो है अंधेरा छा जाता है, उस स्थिति को जो है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। तो उसमें होता क्या, तो सूर्य तो ऊपर रहता ही है, और उस समय जो क्या रहता है सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में रहता है, परंतु थोड़ा यह सैड होता है, इस समय जो है थोड़ा सैड में रहता है, जिससे होता क्या है, तो कुछ भाग जो है चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी पड़ता है और कुछ भाग पृथ्वी पर आता है, यानी आधा अधूरा भाग। तो उसी स्थिति को जो है ना आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो हम तो दोनों बता दिए कि धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे लगता है और क्यों होता है, और ये वैज्ञानिक तरीके से भी बता दिया। अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।